अरे वो देखो, बादल पानी भर के चले, लगता है बारिश होने वाली है। अरे नहीं, बादल पानी भरते नहीं है, बादल में पानी ही बादल है। ये क्या बोल रही हो? जी हाँ, बादल कोई स्पंज जैसी चीज़ नहीं होती जिसमें पानी सोख के भरा हुआ हो। क्या आप जानते हैं कि बादल क्या होते हैं और ये ऐसे चलते हुए क्यों दिखते हैं? तो सुनो, बादल मुख्य रूप से पानी की छोटी बूंदों से बने होते हैं और यदि पर्याप्त ठंडा हो तो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं। ये हवा में ठहर सकते हैं। जब वातावरण में मौजूद पानी और आइस क्रिस्टल्स दिखाई देने लगे तो ये बादल के रूप में दिखाई देते हैं। बादलों में पानी और बर्फ के जो कण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को महसूस करने के लिए या किसी भी प्रशंसनीय गिरावट वेग के लिए बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए कण आसपास की हवा के साथ तैरते रहते हैं, परिणाम स्वरूप बादल हवा पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, ये बादल आते कहाँ से है? पृथ्वी पर मौजूद पानी सूरज की गर्मी की वजह से भाप में बदल जाता है। आसमान में हमेशा भाप की कुछ मात्रा मौजूद रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और यह भाप हवा से हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। यह जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंडी होती जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। आसमान में यह पानी के कण और हिम कण, यह दोनों एक दूसरे के करीब आने के बाद आपस में घुल मिल जाते हैं, जो यह छोटे या बड़े बादल के रूप में तैयार होते हैं। वो हवा जहाँ बादल बनते हैं, जल बाष्प को संघनित करने के लिए पर्याप्त ठंडी होनी चाहिए। पानी हवा में मौजूद डस्ट, बर्फ या समुद्री नमक, जिन्हें संघनन नाभिक यानी कि कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है, उसके साथ संघनित होता है। दोस्तों, आसमान में बादल किस प्रकार का बनेगा यह बादल बनने वाले स्थान के वातावरण, तापमान, हवा और हालतों पर निर्भर करता है। जो बादल छोटे दिखाई देते हैं उनमें पानी की मात्रा कम, और जो बादल आकार में बड़े दिखाई देते हैं उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ समझ में आया? एक और सवाल, वो जो कुछ बादल में रोशनी होती है और कुछ बादल काले होते हैं, ऐसा क्यों? बरसात के मौसम में अक्सर आपने गौर किया होगा कि आसमान में सफेद रंग के बादल दिखाई देते हैं, लेकिन जब आंधी के साथ तेज वर्षा की संभावना होती है तो बादल बिल्कुल काले रंग के नजर आते हैं। बादलों में मौजूद पानी की बूंदे या महीन कणें सूर्य से निकलने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। आसान शब्दों में कहे तो किरणों को वापस भेज देती है और सिर्फ सफेद रंग ही बचता है। बादल सूर्य से निकलने वाली सफेद किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए हमें बादल का रंग सफेद दिखाई देता है। ठीक उसके उलट प्रक्रिया होती है तो बादल हमें काले दिखाई देते हैं। मतलब जब बादल में पानी की बूंदे सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो बादलों का रंग काला नजर आता है। जो वस्तु जिस रंग को अवशोषित करता है वह उसी रंग की दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु सारे रंग को रिफ्लेक्ट कर देगी तो वह सिर्फ सफेद दिखाई देगी, और जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी वह काले रंग की दिखेगी। बादलों के काले रंग का दिखने का एक और कारण भी है। अगर बादल काफी घने और ऊंचाई पर है तो वे काले दिखाई देंगे। वही बादलों के काले रंग होने के पीछे उसकी मोटाई भी एक वजह होती है। अगर बादलों की मोटाई ज्यादा होगी तो सूर्य की बहुत ही कम किरणें उससे पास होगी। इसका असर ये होगा कि बादल गहरे रंग के या काले रंग के दिखाई देंगे। फिर वो बिजली बरसात? बिजली क्यों होती है, बादल क्यों गरजते हैं और बरसात क्यों होती है, ऐसी कई और भी जानकारी के लिए AS ग्लोब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।